कैसे हैं आप सब? आज हम हिंदी में इकाई दो बढ़ते कदम सीखेंगे, तो चलिए सीखना शुरू करें। अभ्यास पांच। सबसे पहले है यह, इस। यह का उपयोग तब होता है जब कोई चीज हमारे नजदीक हो और वह चीज एक ही हो, और जब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं तब इस शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण, यह अरविंद है। आ अरविंद छे। इसके पास किताब है। तेनी पासे चोपड़ी छे। उसके बाद है ये, इन। जब हम कोई चीज के बारे में बात करते हैं और वो चीज एक से ज्यादा होती है और हमारे नजदीक होती है तो हम ये का प्रयोग करते हैं, और जब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं तब हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, ये तितलियां है। आ पतंगियाओ छे। इनके पंख रंग बिरंगे है। इनी पाखो रंग बिरंगी छे। उसके बाद है वह, उस। जब कोई चीज एक ही हो और वह हमसे दूर हो तब हम वह का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उस शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वह कौवा है। ते कागड़ो छे। उसका रंग काला है। तेनो रंग काड़ो छे। उसके बाद है वे, उन। जब कोई चीज ज्यादा हो और वह हमसे दूर हो तब हम वे का प्रयोग करते हैं, और जब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं तब उन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वे दो पेड़ है। ते बे झाड़ छे। उन पर बगुले बैठे है। तेना पर बगलाओ बैठा छे। अभ्यास छह, जिनमें हम देखेंगे मैं, हम, तुम और आप। ने का अर्थ है हूँ। हम का अर्थ है अमे अथवा आपने। तुम का अर्थ है तमे। आपका अर्थ है आप। बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है। बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करता है। हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं तुषार हूँ। हूँ तुषार छू। मैं विद्यार्थी हूँ। हूँ विद्यार्थी छू। मैं स्कूल जाता हूँ। हूँ साड़ाए जाओ छू। मैं दीपाली हूँ। हूँ दीपाली छू। मैं विद्यार्थिनी हूँ। हूँ विद्यार्थिनी छू। मैं स्कूल जाती हूँ। हूँ साड़ाए जाओ छू। अब हम के उदाहरण, हम लड़के है। अमे छोकराओ छिए। हम पढ़ते है। अमे भणिए छिए। हम लड़कियां है। अमे छोकरियो छिए। हम पढ़ती है। अमे भणिए छिए। अब हम तुम और आपके बारे में सीखते हैं। अगर सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यदि उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। तुम विद्यार्थी हो। तू विद्यार्थी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तू चौथा धोरण मा भणे छे। तुम विद्यार्थिनी हो। तू विद्यार्थिनी छो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। तू चौथा धोरण मा भणे छे। आप किसान है। तमे खेडूत छो। आप खेती करते है। तमे खेती करो छो। आप डॉक्टर है। तमे डॉक्टर छो। आप अस्पताल जाते हैं। तमे
हॉस्पिटल जाओ छो। अभ्यास 7, जिसमें हम अभ्यास करेंगे मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, जिसमें मैं का अर्थ होता है माँ, के अंदर इटले के तेनी अंदर, के ऊपर मतलब तेनी ऊपर, के नीचे तेनी नीचे, के पास तेनी नजीक। उदाहरण, ये मछलियाँ है, आ माछलियो छे, मछलियाँ पानी में है, माछलियो पानी मा छे, मछलियाँ झार के अंदर है, माछलियो बरणीनी अंदर छे। आगे, वह किताब है, ते चोपड़ी छे, किताब मेज पर है, चोपड़ी टेबल पर छे, किताब मेज के ऊपर है, चोपड़ी टेबल नी ऊपर छे। यह गाय है, आ गाय छे, गाय पेड़ के नीचे है, गाय झाड़ नी नीचे छे, गाय घास खा रही है, गाय घास खाए छे। वह पाठशाला है, ते पाठशाला छे, पाठशाला के पास पेड़ है, पाठशाला नी पासे झाड़ छे, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, झाड़ नी नीचे छोकराओ रमी रहिया छे। अभ्यास 8, अब मेरा, तुम्हारा और उसका अभ्यास करेंगे, जिसमें मेरा का अर्थ है मारू, तुम्हारा का अर्थ है तारू, उसका का अर्थ है तेनू। उदाहरण, यह किताब है, आ चोपड़ी छे, यह मेरी किताब है, आ मारी चोपड़ी छे, वह कलम है, ते पेन छे, वह अनिल की कलम है, ते अनिल नी चोपड़ी छे, कलम उसकी जेब में है, पेन तेना खीचामा छे, यह थेला है, आ थेलो छे, यह नवीन का थेला है, आ नवीन नो थेलो छे, यह उसका थेला है, आ तेनो थेलो छे। वह कॉपी है, ते कॉपी छे, वह आशा की कॉपी है, ते आसानी कॉपी छे, यह कंपास है, आ कंपास छे, यह तुम्हारा कंपास है, आ तारो कंपास छे। अभ्यास 9, क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने, जिसमें क्या का अर्थ है सुन, कहाँ का अर्थ है क्या, कब का अर्थ है क्या रे, कौन का अर्थ है कौन, और कितने का अर्थ है केटला। ये सारे सवाल में उपयोग किए जाने वाले शब्द है। तो अब मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछूंगी, आपको चित्र ध्यान से देखना है और जवाब देना है। आप ध्यान रखना कि सवाल पूछूंगी उसमें ये सारे शब्द के प्रयोग किए होंगे, जैसे कि यह क्या है, तेनो अर्थ छे आ शू छे, यह गाय है, आ गाय छे। तो अब आपको ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जिनमें क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 1, बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ के ऊपर है। प्रश्न 2, गाय कहाँ है? गाय पेड़ के पास है। 3, मोर कब नाचता है? मोर बारिश जब गिरती है तब
नाचता है। चौथा, बंदर क्या कर रहे हैं? बंदर खेल रहे हैं। पांचवा, पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर 2 बंदर हैं। छह, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? बंदर बोल रहे हैं कि हम कुछ और खेलें। सात, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? लड़की बोल रही होगी कि चलो हम साथ में खेलते हैं। आठवा, गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है। वह क्या कर रही है? वह गाय से बात कर रही है। और बच्चों, आखिर में यह खंडशः लेखन दिया गया है, जिसमें स्वर को खंडशः यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अगर आपको स्वर लिखने में तकलीफ हो रही है, फिर आप इसको देखकर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।